हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा लाल। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इससे पहले हमने लेक्चर 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जैसे मैंने हर लेक्चर में बताया कि एक दूसरे से लिंक सब्जेक्ट है। सारे इक्वेशंस बार बार यूज होगी हमारी इसके अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सोमरफेल्ड एक्सटेंशंस ऑफ बोहर मॉडल। सोमरफेल्ड ने एक्सटेंशन किया बोहर मॉडल का। बोहर मॉडल हमें क्या नहीं बता पाया, फाइन स्ट्रक्चर के बारे में हमें नहीं बता पाया। बोहर मॉडल क्या था? सिर्फ हमें एटम के बारे में बता पाया। तो बोहर मॉडल हमारा क्या था? जैसे हमारा चार्ज जेडिक, ये हमने कोई एटम या ऑर्बिट ले लिया। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है माइनस ई। हमने बोहर थ्योरी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से रिवॉल्व करता है, इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट। हमारा डिस्टेंस है आर। बोहर ने क्या बताया था पोस्टुलेट्स में कि इसके कुछ पाथ्स होते हैं। पहले पाथ की जैसे हमने नाम दे दिया n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। तीसरे पाथ को नाम दे दिया हमने इस तरह से, इनके अलग अलग पाथ के अलग अलग नाम दिए थे। इसमें क्या बताया था कि जब तक हम इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं डालेंगे तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड रहेगी। फिक्स्ड ऑर्बिट में हम हमारी एनर्जी रिवॉल्व करेगी। अगर हम इसको मान ली, हम एनर्जी देते हैं, हमने कुछ एनर्जी दी, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? लोअर स्टेट से हाइयर स्टेट में जंप कर जाएगा। अगर मान लें हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज की इलेक्ट्रॉन ने, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप कर जाएगा। इस तरह से बोहर मॉडल ने हमें ये बताया था। बोहर मॉडल क्या नहीं कर पाया, हमें फाइन स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर इसके बाद सोमरफेल्ड ने दिमाग लगाया कि हम एलिप्टिकल ऑर्बिट का यूज़ करके हम फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हैं। फाइन स्ट्रक्चर, जैसे हमने लाइंस देखी, जैसे एच अल्फा लाइन हमारी इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन आती है हाइड्रोजन एटम में। इस तरह से हमारे ये कलर्स दिखाई देते हैं इसके अंदर। जैसे हमारी ये एक लाइन को हम ले लेते हैं, हमारी इस तरह से लाइंस हमें दिखाई दे रही है। क्या हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आता है इसके अंदर, कि लाइट जो है बिल्कुल एक कलर के बाद अगर हमारा वॉयलेट यहाँ से ख़त्म होता है तो पता नहीं लगता कि इंडिगो हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देता है हमें। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? अगर हम ये हमने क्या दे दिया h mu एनर्जी ऑफ द फोटोन। अगर हम हाई रेजोल्यूशन पाथ वाले इंस्ट्रूमेंट से हम इसको इस तरह से इसके अंदर फोल्ड कराएं तो हमें क्या मिलेगा? एक लाइन आती थी, इसमें क्या मिलेगा? इस तरह से हमारी फाइन लाइंस आ जाएंगी, स्प्लिट हो जाएगी लाइन, जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी स्प्लिट हो जाएगी इस तरह से अलग अलग लाइन से। इसको बोलते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर। हमने समझ लिया फाइन स्ट्रक्चर क्या था। बोहर मॉडल जो हमें इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हम सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। सोमरफेल्ड ने क्या बताया? इन 1916 इन एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड बोहर मॉडल। इसने एक्सटेंड कर दिया बोहर मॉडल को और अपना दिमाग लगाया। इसने क्या किया? एलिप्टिकल ऑर्बिट का यूज़ किया। ये जैसे हमने ये बना लिया, क्या है ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसने क्या कहा कि न्यूक्लियस को हम फोकाई के अंदर रखेंगे।
ये हमारा इस तरह से हमने इस साइड हमने न्यूक्लियस को रख दिया जिसका चार्ज हमारा प्लस जेड ई, और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमारे इनके बीच में है आर डिस्टेंस, ये हमारी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, क्या हमारी वेलोसिटी। रेडियल पार्ट को हमने इस साइड रख लिया जिसको हमने डिनोट किया आर डॉट से, और ये इसके इस तरह से परपेंडिकुलर लिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे हम इसके अंदर। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा, रेडियल पार्ट एंड दी एंगुलर मोमेंटम पार्ट, इन दो पार्ट्स में हम इसको देखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे इफ पी आर एंड पी थीटा बी द रेडियल एंड एंगुलर मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आर क्या हमारा रेडियल एंड थीटा क्या हमारा एंगुलर मोमेंटा ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इसके अंदर थीटा है। जैसा कि विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन लॉ में हमने देखा था क्या इक्वेशन यूज की थी हमने उसके अंदर, इक्वल टू एन आर एच, ये हमारी इक्वेशन आई थी विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन लॉ के अंदर लेक्चर नंबर 5 में हमने ये किया था। उसी इक्वेशन को इस तरह से हमने लिख दिया, रेडियल की टर्म में लिख दिया एन आर एच, बिल्कुल इसी तरह से हम पी थीटा की टर्म में इसको किस किस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन लगा दिया 0 to 2π, पी थीटा आर की जगह हमने थीटा पुट कर दिया, डी आर की जगह हमने डी आर पुट कर दिया, इक्वल टू के एच, इसकी टर्म में हमने लिया था एन आर एंड इसकी टर्म में लिया हमने के, के क्या है हमारा इसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एन क्या हमारा रेडियल क्वांटम नंबर। जैसे इसके अंदर अब हमने देखेंगे कि एन आर एंड के क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं रेडियल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एंगुलर मोमेंटा क्या हमारा पी थीटा ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लेंगे जिसके अंदर हमारा एंगुलर मोमेंटा जो वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, पी थीटा हमने कॉन्स्टेंट था तो इसको हमने बाहर निकाल लिया और इस इक्वेशन को लिख लिया 0 to 2π d थीटा इक्वल टू के एच। इसको हमने मॉडिफाइड किया तो क्या आया हमारा पी थीटा 2π इक्वल टू के एच, यहाँ से हमने पी थीटा की वैल्यू निकाली, पी थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये 2π था ये इसके यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगी हमारी के एच बाय 2π, ये हमने पी थीटा की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे टू एलिवेट फर्स्ट टर्म पी आर, पी आर को हम एम आर डॉट कैसे लिख सकते हैं, जैसे मोमेंटम क्या होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को हमने रेडियल वेलोसिटी की टर्म में लिख दिया, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। पी थीटा, पी थीटा को हमने इसके अंदर क्या लिखा है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, इसको हमने कैसे लिखा, पी थीटा हमारा क्या होता है एम आर स्क्वायर, इन द वेलोसिटी टर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ओमेगा को हम इस तरह से एंगुलर मोमेंटा के टर्म में थीटा डॉट लगा के इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल ली। इसके अंदर जो आर डॉट होता है हमारा वो होता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड जो आर थीटा डॉट होता है हमारा एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या हमारा आर जो है रेडियल, आर थीटा डॉट क्या हमारा एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या देखेंगे पोलर इक्वेशन, इलिप्स की पोलर इक्वेशन क्या होती है हमारी,
1/r इक्वल टू 1/a 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा बाय 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये हमारी पॉलर इक्वेशन होती है इलिप्स की। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/a 1/1 माइनस एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म को हमने इस साइड लिया है, इक्वल टू 1/r, ये हमारा इस साइड आके ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा, जो रूट 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है इलिप्स की टर्म में, हम इसको b/a लिख सकते हैं। b क्या है हमारा, सेमी माइनर एक्सिस, और a क्या है हमारा, सेमी मेजर एक्सिस। जैसे हमने ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बना लिया, ये क्या होता है हमारा a, होता है हमारा मेजर एक्सिस, और इसको क्या लिखते हैं हम b, ये होता है हमारा माइनर एक्सिस। ये इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब हम डिफरेंशिएशन कर देंगे r का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ऊपर वाले टर्म का। तो हम डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, माइनस 1/r स्क्वायर dr/d थीटा इक्वल टू 1/a एप्सिलॉन साइन थीटा बाय 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएशन किया है r का विद रिस्पेक्ट टू थीटा के टर्म में, बस हमने यही किया है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमने ये इक्वेशन निकालनी थी ये वाली, इसके अंदर से इस वाली को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, 1/r² dr/d थीटा, इसको हमने बिल्कुल इसी तरह से लिख दिया। जो 1/a 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर थी उसकी वैल्यू को हमने उस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट कर दिया, बस हमने यही किया है। इसके अंदर r स्क्वायर था हमारा, इस साइड हमारा r है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस साइड हमारा एक आ रहेगा 1/r dr/d थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन साइन थीटा बाय क्या बच गया हमारा नीचे, बस 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा। यहाँ तक आ गया, बिल्कुल इजी था, बिल्कुल समझ में आया। इसका हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब हम पूरी इक्वेशन को इसको स्क्वेयर कर देंगे, 1/r dr/d थीटा का होल स्क्वेयर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को लिख दिया। इसके बाद ऊपर हमने पी आर की वैल्यू निकाली थी, एम आर डॉट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एम आर डॉट, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इसको हम m dr/d थीटा इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम d थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m dr/d थीटा इंटू d θ/dt, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारी यही इक्वेशन आएगी, बस हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया d थीटा को। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, m dr/d थीटा इंटू, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थीटा डॉट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ये हमारी pr की वैल्यू निकाल ली हमने। अब आएंगे पी थीटा वाले टर्म पे, पी थीटा की हमने वैल्यू क्या रखी थी, m r² θ डॉट। ये यहाँ से हम थीटा डॉट की वैल्यू निकालेंगे, थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आएगी, पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगी। जो पी थीटा वाली टर्म थी एम आर स्क्वायर, यहाँ से हम थीटा डॉट की वैल्यू निकालेंगे, थीटा डॉट इक्वल टू पी थीटा बाय एम आर स्क्वायर, ये हमारी थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से आई है। अब ये जो थीटा डॉट की वैल्यू थी ना, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, pr इक्वल टू m dr/d थीटा इंटू थीटा डॉट की वैल्यू हमारी क्या है, p थीटा बाय mr स्क्वायर, बस हमने इसके अंदर इसको पुट किया है।
एम से एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू हमारी इसके अंदर क्या आ जाएगी, पी थीटा बाय आर स्क्वायर, हमने इसको पहले लिख लिया, डी आर बाय डी थीटा, इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या किया हमने, यहाँ से डी आर की वैल्यू को निकाल लिया, डी आर की वैल्यू हमारी ये इस साइड आ जाएगा, ये हमारा इसके नीचे आ जाए, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आर बाय डी थीटा इंटू डी थीटा, पी आर डी आर, इसको हम ये जो पी आर है और ये डी आर की वैल्यू को हम इसके अंदर इस तरह से लिख देंगे, बिल्कुल एज इट इज़ इन टर्म्स को इस तरह से लिख दिया हमने, डी आर की इस तरह से यहाँ पे इस टर्म को लिख दिया। अब हमारा पी आर डी आर इक्वल टू पी थीटा, ये वाला स्क्वायर की टर्म में है, एंड वन माइनस आर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर की टर्म में, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ना, वन बाय आर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर, हम इसको इस तरह से लिख दिया, एंड डी थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, पी आर डी आर पी थीटा, यहाँ से हमने ऊपर इसकी एक वैल्यू निकाली थी, वन बाय आर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर, एप्सिलेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस एप्सिलेंट कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू को हमने जस्ट इसके अंदर पुट कर दिया इनटू डी थीटा, बस हमने इसके अंदर पुट किया है। अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी पी थीटा वाली, ये वाली इंटू पी आर डी आर इक्वल टू एन आर एच, ये जो पी आर डी आर था इसमें हम ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, पी थीटा जीरो टू टू पाई, ये वाली इक्वेशन बिल्कुल इसके अंदर पुट कर दी, इक्वल टू एन आर एच। अब हम देखेंगे इस वैल्यू का, इन दिस वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज हमारा इसके इक्वल होता है, फिजिक्स में क्या है, कुछ इक्वेशन को हमें रट लेना चाहिए, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस, ये हमारा इसके इक्वल, तो हम रख देंगे इसके इक्वल, टू पाई हमारा बाहर आ गया, पी थीटा ये हमारा टू पाई था, पी थीटा वन बाय एप्सिलेंट रूट वन माइनस एप्सिलेंट स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एन आर एच, जस्ट उसके अंदर हमने इसको पुट किया। अब हम यहाँ से पी थीटा की वैल्यू लेंगे, पी थीटा की वैल्यू हमारे एक निकाली थी हमने ऊपर, पी थीटा इक्वल टू के एच बाय टू पाई, उस इक्वेशन को इस पी थीटा यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो हमारी क्या आएगी, टू पाई के एच बाय टू पाई, बिल्कुल ये वाली इक्वेशन बिल्कुल हम इसको एज इट इज लिख देंगे, टू पाई से टू पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा, के एच वन बाय रूट वन माइनस एप्सिलेंट स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एन आर एच, एच से एच हमारा कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर, तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई इसके अंदर, ये जो के था हम इसको यहाँ पर इसके डिवाइड में लेके जाएंगे, तो वन माइनस रूट वन माइनस एप्सिलेंट स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एन आर बाय के, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम जो माइनस वन था हम इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस वन, एंड इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाइड करके इस तरह से लिख दिया, सभी को पता है ये, तो यहाँ से हमारी वन बाय रूट वन माइनस एप्सिलेंट स्क्वायर हमारा एन आर प्लस के बाय के इक्वल आ गया। अगर हम 1 माइनस एप्सिलेंट स्क्वायर रूट की इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगी हमारी k बाय एन आर प्लस के, ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी। ये क्या कर होती है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, तो रूट 1 माइनस एप्सिलेंट स्क्वायर हमने ऊपर देखा था p बाय a के इक्वल होता है b बाय a, और b बाय a हम इसकी जगह पर पुट कर देंगे, इसको हम लिख देंगे b बाय a एंड k बाय एन आर प्लस के,
बिल्कुल इसके अंदर हमने बी बाई ए पुट किया बस, क्योंकि हम इलिप्स यूज कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट यूज कर रहे हैं। हमारा एन आर प्लस के इक्वल टू एन क्वांटम नंबर के हम इक्वल इसके अंदर लिख सकते हैं। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है हमारा, वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं होता, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, के इक्वल टू वन टू थ्री एंड एन हमारा वन टू थ्री। तो हम इन दोनों इक्वेशन वैल्यू को एन एंड के की अज्यूम कर लेते हैं वैल्यू के इक्वल टू वन टू थ्री टू एन तक, ये वाली इस तरह से वैल्यू आ जाएगी हमारे। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल कर आता है हमारा, बी बाय ए इक्वल टू, इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया एन के, तो बी बाय ए इक्वल टू के बाय एन, ये इस तरह से हमारा इसके अंदर फॉर्मूला आ गया। ये देखिए इस तरह से नीचे b by a इक्वल टू के बाय एन, इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारा n कभी भी k के इक्वल टू नहीं होता एंड b नॉट इक्वल टू a, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें तो हमारा n k के इक्वल होता है, b a के इक्वल होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बोहर थ्योरी, सर्कुलर ऑर्बिट, एंड ये हमारा इस दोनों के इक्वल नहीं है, दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए यूज, हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ये वाली कंडीशन लगेगी, तो बी बाय ए इक्वल टू के बाय एन, ये हमारी इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए आ गई वैल्यू। दिस इज द क्वांटम कंडीशन ऑफ इलिप्स ऑर्बिट। अब हम इसकी एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम एनर्जी, हमारी टोटल एनर्जी इस तरह से लिखते हैं हमेशा। तो E इक्वल टू हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी एलिप्टिकल के अंदर, हाफ एम वी स्केयर होती है हमारी, तो हम इसको लिख देंगे हाफ एम वी स्केयर को हम आर डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर, जैसे हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्केयर बाय आर। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये हमारी प्लस थी इन दोनों की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ हमारा माइनस आ गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, अगर टू पार्टिकल्स हैव ऑपोजिट चार्ज, ये हमारा होता है, इसलिए ऑपोजिट है तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम इसको बाहर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, हाफ एम आर डॉट स्केयर प्लस एम आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर, हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया है अंदर वाली वैल्यूज के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड एम बोथ साइड, हम m को डिवाइड कर देंगे इसके अंदर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बोथ साइड, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हाफ m m r डॉट स्केयर बाय m प्लस m r स्केयर थीटा डॉट स्केयर बाय m, और मल्टीप्लाई हमने एक हाफ m हमने बाहर ले लिया, इस तरह से हमने इसके अंदर कर दिया, तो आगे मॉडिफाई करके हमारी इक्वेशन क्या आएगी, हाफ m इनको हमने बाहर निकाल लिया, तो हाफ एम ये हमारा क्या था, पी आर की इक्वेशन क्या थी हमारी, एम आर, ये थी हमारी एम आर डॉट, सॉरी क्या थी हमारी एम आर डॉट, एंड पी थीटा की क्या थी हमारी एम आर थीटा डॉट, ये वाली इक्वेशन थी हमारी, जस्ट हमने इसको इनके इक्वल रख दिया, बस हमने इसके अंदर यही किया है।
तो हमारी एनर्जी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, हाफ एम, इसको हम बाहर ले आए एम को, इस तरह से हमारा ये एम नीचे आ जाएगा, तो 1/2 m पी आर स्क्वेयर प्लस पी थीटा स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ये हमने एम बाहर निकल गए, ये वाली इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, एंड माइनस इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन की वैल्यू, ये वाली हमने यहाँ पर इस तरह से लिख ली। अब हम एनर्जी को, एनर्जी हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, इसको हम बाहर लेके आएंगे, ये तो हो जाएगा हमारा 1 and 1/r dr by d theta का स्क्वायर, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, एंड 1/4 pi epsilon naught zd स्क्वायर बाय r, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो हमने ऊपर एक वैल्यू निकाली थी 2 m e r² / p θ² - 1 + m z² यहाँ से हमने 1/r dr इसकी वैल्यू निकाली है इस इक्वेशन से। अब हम इस इक्वेशन को स्टार नाम दे देंगे, इस इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाली, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होके हमारी ये वैल्यू आ गई 2 m e r² / p θ² - 1 + m z² / r/2 pi epsilon naught p θ² हमने ऊपर देखा था पोलर इक्वेशन क्या यूज की थी हमने इलिप्स के लिए, 1/r = 1/a (1 - ε cos θ) / 1 - ε² ये हमने ऊपर देखी थी। अगर हम यहाँ से 1 - ε cos θ की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी हमारी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके a (1 - ε² / r) ये हमारी 1 - cos ε cos θ की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ से ε cos θ की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या आ जाएगी, जो 1 था ये यहाँ पर इस साइड आ जाएगा, तो ε cos θ की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 - ये वाली इक्वेशन, ऐसे कैसे, सिर्फ हमने 1 को इस साइड लेके आए, बस इतना किया। अब हम क्या कर देंगे, स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगी ε² cos θ² * 1 - इसका होल स्केयर, हमने इस तरह से स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। अब हम ε sin² sin² θ को ε² - ε² cos² θ लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम ε² sin² θ, ये जो ε² cos θ की वैल्यू थी, अब हम इसको सिर्फ इसके अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ से ε² sin² θ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ε² - 1 एंड इसका a - b² किया, बस हमने इस a² + b² - b² + 2ab, बस हमने ये फॉर्मूला लगाया है इसके अंदर, ये हमने ε² sin² θ की वैल्यू निकाली, ऊपर हमने ε² cos θ की वैल्यू निकाली। अब हम इसको दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, r² / a² * 1 - ε² - 1 - ε² - a² - ε² + 2a (1 - ε² / r), ये वाली इक्वेशन हम इसको डिवाइड कर दिया इन दोनों को, तो ये स्केयर था हमारा, ये 1 - ε² था, एक से कैंसिल हो गया तो हमारे ये नीचे बस एक बच गया, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख देंगे, ε² sin² θ / ε² cos² θ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, r² (a² (1 - ε² - 1 + 2r/a (1 - ε² सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, इसको हम इसके इक्वल रख देंगे, ये जो वैल्यू आई है हमारी
1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर हम इसके अंदर इस वैल्यू की जगह हम ये पुट कर देंगे। सिर्फ हमने इसकी जगह इसको पुट करना है, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बिल्कुल यही वाली एज इट इज इक्वेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। सिर्फ हमने इसकी जगह पर ये वाली इक्वेशन को लिया है। ये जो इसकी इक्वेशन हमने एक ऊपर निकाली थी, इसकी इक्वेशन हमारी क्या आई थी, 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर, इसकी इक्वेशन हमने ऊपर निकाली, इसकी इक्वेशन आई थी 2 एम ई बाय पी थीटा स्क्वायर प्लस एम जेड ई स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा स्क्वायर। यहाँ से हमने इनकी वैल्यू को हमने इसके इक्वल रख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी इसके इक्वल होती हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 4a एलिप्टिकल ऑर्बिट लिया हमने, तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू को, रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर को हम क्या लिखते थे, b बाय a, तो इसके होल्स 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हाँ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी 2me बाय p थीटा स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन, ये वाली पुट करने के बाद आ गई हमारी माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। सिर्फ ये वाली इक्वेशन को अप्लाई किया हमने, एंड जो सेकंड वाली इक्वेशन थी एम जेड स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट p थीटा स्क्वायर, ये हमारी इसकी यूज़ करने के बाद आ गई 2a बाय b स्क्वायर। इन सभी को मॉडिफाई करने के बाद जो टोटल एनर्जी आई हमारी, माइनस एम जेड स्क्वायर e की 4 इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर p थीटा स्क्वायर, ये वाली हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। p थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी kh बाय 2 पाई, ये हमने p थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, एंड b बाय a ये इक्वेशन एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए निकाली थी, b बाय इक्वल टू k बाय n। जस्ट हम इन दो इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर देंगे, b बाय a को हमने k बाय n एंड p थीटा को kh बाय 2 पाई, तो हमारी टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, एम जेड स्क्वायर ई की 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर, ये वाली एनर्जी की इक्वेशन। ये तो बोहर थ्योरी के इक्वल आई, बिल्कुल कौन सी एनर्जी, ये बोहर थ्योरी बिल्कुल उसी के इक्वल आई हमारी। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टिल डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे हमारी डिपेंड करेगी एनर्जी इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, एज ए म्यूथल क्वांटम नंबर के लिए नहीं करेगी, कैन नॉट डिपेंड्स एज ए म्यूथल क्वांटम नंबर के, सिर्फ हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी एनर्जी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे हमारी डिपेंड नहीं करेगी। हमने इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए इक्वेशन निकाली, एनर्जी निकाली टोटल एनर्जी, जो कि हमारी बिल्कुल बोहर थ्योरी के एनर्जी के इक्वल आई है। तो ये था हमारा समरफील्ड एक्सटेंडेड बोहर एक्सटेंशन ऑफ बोहर मॉडल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत इजी था। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।